खबर उत्तराखंड के झबरेड़ा से है, जहां गांव कोटवाल आलमपुर से बसपा खेड़ी जाने वाले मार्ग पर अब से 5 महीने पहले ही 2 किलोमीटर के रोड का निर्माण रुड़की लोक निर्माण विभाग ने किया था। बता दें कि इस निर्माण का पेमेंट भी कुछ समय पहले ही विभाग द्वारा ठेकेदार को कर दिया गया था, पर मार्ग की सही हालत होने के बावजूद PMGSY विभाग ने इस मार्ग को तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू कर दिया, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अच्छे खासे सड़क को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, जबकि हाल में ही इस सड़क का निर्माण किया गया था। वहीं जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जेई से इस बारे में जानकारी लेना चाहा गया तो उन्होंने कई बार बाहर होने की बात कहकर मामले से बचने का प्रयास किया। वहीं संबंधित मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से जानकारी लेना चाहा गया तो उनका कहना था कि ये सड़क कुछ दिन पहले उनके विभाग द्वारा बनाई गई थी और इसकी लागत 1.25 करोड़ रुपए के करीब रही होगी, पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है। बता दें कि किसी तरह की कोई भी कार्यवाही करने की बात नहीं की गई है। झबरेड़ा से राहुल सैनी की रिपोर्ट। ये रोड 3-4 महीने पहले यहाँ से जो बना रहे थे गाँव वाले सैकड़ों आदमी प्रधान जी भी थे, इसको आपत्ति करी थी कि भाई यो सड़क परेश की बड़ी बेहतरीन बनी हुई, इसे क्यों उखाड़ रहे। तो दोबारा उन्होंने इसे उखाड़ कर दोबारा फिर बना रहे, इस पैसे को जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे। गांव में 3-4 जगह जरूरत हो वहाँ से यो पैसा लगता है, इनको डोकपुरी में पानी भरा पड़ा गोड्डो गोड्डो उनको जोड़ की तरफ शेरपुर की तरफ जो सैम्पर की तरफ जोड़ वो जरूरत है इसकी सड़क की, तो इसे गलत पैसा लगा रहे, गलत यूज कर रहे पैसे का। यो बनना ना चाहिए था, लेकिन अगर यो बन रहा तो गांव में तो जरूरत हो, जनता का पैसा बर्बाद कर रही सरकार, इसकी कोई जरूरत नहीं थी दोबारा बनाने की, बेहतरीन सड़क थी। राज्य योजना में PWD ने बनाई थी, काफ़ी टाइम हो गया उस सड़क को। उसके बाद जो मेरी जानकारी में है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज 3 है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो संभवतः वो उसमें उन्होंने उसकी उसको लिया होगा, इस कारण वो काम वहाँ चल रहा है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, हमारे यहाँ रुड़की डिवीजन में और भी सड़कें हैं जो PMGSY कर रहा है, तो उसमें जो है फेज 3 का मतलब ये है कि उसका उच्चीकरण होता है वो, तो हमने जब बनाई थी तो वो प्रीमिक्स कारपेट से बनाई थी, PC करी थी उसमें, तो मुझे लगता है कि अब जो PMGSY वाले जो करेंगे वो शायद उसकी सरफेस को इम्प्रूव करेंगे BMSDBC से। तो ये फेज 3 की सेंक्शंस हैं, इसमें PWD का तो कोई रोल है नहीं, और PMGSY में सड़कें वो अपने हिसाब से आबादी के हिसाब से, और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है वो कौन सी सड़क को लेना है, वो इसके एक पूरी जांच होती है तब वो सड़कें सेलेक्ट होती हैं।